अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोड टू सक्सेस में मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा खान। और आज के मेरे प्रोग्राम में मेरे मेहमान शख्सियत हैं, एक बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन, चौधरी नैयर हुसैन साहब। जी हाँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है आपका और पाकिस्तान में कारपेट इंडस्ट्री को ना सिर्फ उन्होंने फ़रोग दिया बल्कि दुनिया भर में भी इस इंडस्ट्री को फैला रहे हैं और अपना नाम रोशनास करा रहे हैं। चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उन्हीं की ज़ुबानी उनसे जानते हैं। चौधरी नैयर हुसैन साहब, कारपेट का बेसिकली आपको बिज़नेस है और अब दुनिया भर में भी जो है आप अपनी एक पहचान रखते हैं। आपने बताया कि आप अभी इंटरनेशनल टूर्स पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी बिज़नेस के सिलसिले में बिज़नेस टूर्स होते हैं आपके। किस तरह से आपने सारे मनाजिल तय किए और यहाँ तक पहुँचे आप? वेल, आफ्टर कंप्लीटिंग माय लॉ एजुकेशन तो आई जॉइंड फैमिली बिजनेस। अच्छा, लॉ कंप्लीट करके तो बिजनेस की जानिब आ गए? तो ऑलरेडी हम टेक्सटाइल में काम कर रहे थे। अच्छा, तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री थी। तो मगर कारपेट को मैंने इंट्रोड्यूस किया। सही। और उसमें क्योंकि वो एक नई चीज़ थी उस वक्त, तो उसमें ग्रोथ काफ़ी थी, मार्जिन अच्छे थे, तो उसमें एकदम अच्छी ग्रोथ आ गई। सही। अच्छा, ये कारपेट का जो बिजनेस है ये आपने स्टार्ट किया, आपका ये फैमिली बिजनेस नहीं है? नहीं नहीं, पहले हम दूसरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सटाइल में थे। अच्छा, तो कारपेट में नहीं शुरू किया। तो वकालत करके और फिर बिजनेस की तरफ आना, और वकालत का शोभा ही क्यों नहीं आपने अपनाया, इसी को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? एक्चुअली फादर मेरे ही वाले पॉलिटिकल मैन। उसमें भी अच्छा पैसा है, अगर वकील जो है वो जाना माना हो तो फिर तो पैसा तो बहुत है उसमें भी। तो मगर मेरा शुरू से ही शौक था कि मैं अपना बिजनेस को ही ज्वाइन करूँ। तो फिर लॉ क्यों किया आपने? मेरे फादर चाहते थे कि मैं लॉ करूँ और पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ। अच्छा। हाँ, मगर मेरा टेम्परामेंट नहीं था पॉलिटिक्स वाला, तो मैंने बिजनेस को ही कंटिन्यू किया। पॉलिटिशियन, आपको क्या लगता है कि आपका टेम्परामेंट क्यों नहीं था? पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका टेम्परामेंट कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, आपको क्या फील आया? काफी, सच बताइए। हाँ, मैं काफी टफ एक टास्क है। हाँ। पॉलिटिशियंस का इजी नहीं है जैसे लोग समझते हैं। फैमिली के अंदर थी पॉलिटिक्स और मैंने देखा कि कितनी मुसीबतें होती हैं अगर आप गवर्नमेंट से किसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। तो उसमें फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा टेम्परामेंट नहीं बना। टेम्परामेंट आपका तो नहीं बना, लेकिन आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है थोड़ा इस बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपके वालिद जो है, आपके छोटे भाई आपने बताया पॉलिटिक्स में है। हाँ, मेरे फादर MNA रहे दो दफ़ा गुजरात से। सही। चौधरी तजमल हुसैन, और फिर उसके बाद नून लीग से थे हम। अच्छा। और 97 में भी मेरा छोटा भाई। अच्छा, गुजरात से है और नून लीग में है। हाँ, उस वक्त तो सभी नून में थे। अच्छा। सही। वो नहीं, एक जेस्चर आता है ना कि गुजरात से है तो इनका ताल्लुक भी, फिर यू नो मैं किस जमात का जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे, आपको तो आइडिया होगा कौन सी जमात है। हाँ हाँ, वो कजन है हमारे दूसरे। हाँ, लीग वाले। सही। हाँ, कजन जो है उनमें फिर वो आधे कजन इधर हो गए आधे इधर हो गए। वो जैसे फैमिली बड़ी होती है तो फिर डिफरेंसेस आ जाते हैं। सही। मगर वैसे आपस में मिलना मिलाना तो है ना। हाँ हाँ, वो है, वो तो। अच्छा, ये कहा जाता है लोगों में, ये तासर पाया जाता है पब्लिक में कि जो पॉलिटिशियन होते हैं जब टीवी पे आते हैं, किसी भी टॉक शो में आते हैं, वहाँ पे इनकी जो बातचीत होती है आपस में वो सिर्फ दिखाने की हद तक होती है, ऑडियंस के लिए होती है, वो बिहाइंड द कैमरा जो है ना वो आपस में सब कुछ ठीक होता है। पॉलिटिकल डिफरेंस होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मतलब हमारी पॉलिटिक्स नहीं, वहाँ पे तो आपने देखा ही होगा जो टॉक शोज होते हैं वहाँ पे तो समटाइम तो इतनी ज्यादा वो आपस में एक दूसरे के इख्तलाफ आ जाता है एक दूसरे की। पॉलिटिक्स जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, ना कि पर्सनल वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। तो वो जो भी करते हैं उनका अपना एक है। सही। अच्छा, आपने कहा कि आपने लॉ किया, फिर आप बिजनेस की तरफ आ गए, लेकिन फैमिली बिजनेस आपका कुछ और था और आपने ये कारपेट का बिजनेस जो है स्टार्ट किया। फैमिली सॉलिड टेक्सटाइल में थे ना। हाँ, तो सिमिलर, तो गुजरात से आप बिलोंग करते हैं? जी, गुजरात से। सही। तो बचपन जो है वो आपका गुजरात में गुजरा, लाहौर में गुजरा, किस तरह से अपने बचपन की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि किस तरह से आपने, आपकी ग्रूमिंग हुई और? हाँ, तो गुजरात में पैदा हुए। अच्छा। और स्टार्ट एजुकेशन गुजरात सिटी में, क्लास वन से मैं लॉरेंस कॉलेज मरी में चला गया। अच्छा अच्छा। बोर्डिंग में। सही, बोर्डिंग में। हाँ, तो बोर्डिंग में ये कहा जाता है ना शरारती बच्चे होते हैं जो यहाँ पेरेंट्स उनको ज्यादातर उनका होता है रुझान। शायद यही वजह थी। अच्छा, इसमें मतलब बचपन आपका काफी शरारती। हाँ, शायद यही वजह थी। तो प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहाँ से हुई। सही। फिर 2 साल गुजरात पढ़ा मैं,
और उसके बाद मैट्रिक मैंने खारियां कैंट से किया। अच्छा। हाँ, डेली गुजरात से खारियां जाना वापस आना। अच्छा। हाँ, तो आपके लिए कौन सा मुश्किल था भाई? आप नहीं, मुश्किल तो नहीं था, मगर वो वहाँ अच्छा स्कूल था, अच्छी, तो इसलिए खारियां जाना पड़ा। सही। और फिर कॉलेज के लिए एफसी कॉलेज आ गया मैं। अच्छा। तो फिर लाहौर, फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। एफसी कॉलेज से मैंने एफए किया, ग्रेजुएशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से की। उसके बाद यूनिवर्सिटी, मतलब आपने सारा वो घूम फिर के अपनी स्टडी जो है वो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ किया। सही। तो मतलब पूरे आपने खूब स्टडी करते हुए, वो कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना पड़े, लेकिन वो चीन तक तो नहीं गए लेकिन खूब घूमे जरूर। हाँ हाँ, घूमना तो कॉलेज लाइफ से ही घूमना शुरू कर दिया। हाँ। इवन जब मैं कॉलेज में था तो मैंने 2 दफ़ा राउंड द वर्ल्ड टूर किया हॉलीडेज के दौरान। तो उसके बाद बिजनेस ज्वाइन किया, तो बिजनेस में तो ट्रैवलिंग बहुत होती थी। सही। तो आपने बताया कि आपके फैमिली का बिजनेस कुछ और था, बट आपने डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस कारपेट मैंने स्टार्ट, यू नो, तो उसमें पेरेंट्स की जानिब से खासतौर पे जब ये लाइफ का एक ऐसा आपका हिस्सा होता है कि जिसमें पेरेंट्स की जानिब से ना आपको ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा होता है या उनकी जानिब से सजेस्ट किया जा रहा होता है कि आप ये करें, तो आपने जब कारपेट का स्टार्ट किया तो अब्बा की जानिब से या बाकी फैमिली मेम्बर्स की जानिब से जो बड़े थे, कोई रोक टोक सामने आई या उन्होंने कहा कि नहीं आप? क्योंकि भाइयों में मैं ही बड़ा हूँ। अच्छा, बड़े। हाँ, तो मैंने उस वक्त मैंने ही डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस चेंज करना चाहिए। और इतना सक्सेसफुल रहा। हाँ, और उसको फिर अल्लाह की मेहरबानी है कि ग्रोथ मिली और अच्छी मिली, और विद इन फ्यू इयर्स वी वर द लार्जेस्ट इन कारपेट्स इन पाकिस्तान। सही। और फिर हमने एक्सपोर्ट काफ़ी किया। तो अभी किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में अपने बिजनेस को आपका लेके जाने का इरादा है कि आप? नहीं, हम 94 में हमने दुबई भी फैक्ट्री लगाई। अच्छा। कारपेट की, तो ऑलमोस्ट हमने 10 साल उधर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग की। सही। फ्री जोन में। सही। और अच्छा रहा हमारा। और ठीक है। ठीक। अच्छा, तो शादी की जानिब आप क्या आते हैं कि आपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी की? बेसिकली हम जो मतलब लोग होते हैं, हमारी ग्रूमिंग इस तरह से होती है कि जब शादी एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि जब ये वाला स्टेज आता है ना लाइफ में, तो हमें पेरेंट्स की मर्ज़ी को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की या फिर? हाँ नहीं, हम फैमिली में हुई। मेरी फैमिली में कज़न से मेरी शादी हुई। अच्छा। हाँ, तो उसमें मेरी भी मर्जी थी और पेरेंट्स की भी थी। हाँ। हाँ, तो ठीक था, दोनों की मर्जी। हाँ। से भी। तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और किस तरह से आप जब आउट ऑफ कंट्रीज में जाते हैं आपकी बेगम जो है अंडरस्टैंड करती हैं आपकी? हाँ, मोस्टली मेरे साथ ट्रैवल करती हैं। अच्छा। हाँ। साथ लेके जाते हैं, बड़ी बात। बिजनेस टूर्स पे भी बेगम साथ होती है? हाँ हाँ, ट्रैवल करती हैं मेरे साथ। हाँ, काफी सपोर्टिव है फिर तो। हाँ हाँ, काफी काफी। सही। हाँ। और बच्चों के बारे में बताइए, आपके 3 साहबजादियां आपके? हाँ, एक बेटा है मेरा बड़ा और 3 बेटियां, और बेटा मेरे साथ ही बिजनेस में है। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह। और बेटी एक की शादी हो गई है। सही। हाँ, तो आई एम अ ग्रैंडफादर आल्सो। माशाल्लाह। हाँ, सही। उसका बेटा है और बाकी 2 बेटियां अभी, एक पढ़ रही है, एक अभी एजुकेशन खत्म की है। सही। फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, आपने बताया कि आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जैसे आपने भाई के बारे में बताया, अपने वालिदे मोहतरम के बारे में बताया, आपके कजन्स जो हैं उनका काफ लीग से ताल्लुक है, आप ऑल्दो नून लीग से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं तो आपको अभी भी कजन्स की जानिब से या बड़ों की जानिब से ये कहा जाता हो, आपको फील आता हो कि नहीं आपको भी पॉलिटिशियन होना चाहिए था, आपका अपना आप अंदर क्या कहता है? हाँ, मैंने कभी भी एस्पायर नहीं किया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ। जब फादर ने कहा कि भैया इस दफ़ा मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना तो तुम लड़ो, तो मैंने कहा जी मेरा तो टेम्परामेंट नहीं है, तो मुबशर को लड़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा ओके। हाँ, मुबशर का टेम्परामेंट था तो उसने कर दिया। तो किस तरह से गुजरात से बिलोंग है आपका, तो वहाँ के लोग वो जो होते हैं
आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं, मिलते हैं आपको? क्योंकि जब हम बड़े शहर की जानी पाते हैं तो यहाँ पे तो और होता है, जो आपके कारकुनान होते हैं उनका रद्द अमल जो दूसरे सिटीज़ हैं, ऑडियंस के लिए बताइए कि उनका किस तरह से आपको मोहब्बत करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी क्या फीडबैक कैसा होता है पोलिटिकल? हाँ, जो तो मैंने अपने फादर का देखा है, तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन जीता तो उस वक्त उनकी लीड 3000 वोट की थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और सेकंड टाइम जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हाँ, तो वो लीड उनकी 30,000 की हो गई थी। हुँ. तो उसका फर्क जो यही था कि उन्होंने अपने हलके के अवाम की बेहतरी के लिए काम किया। हुँ. और उधर लोगों के मसाइल होते हैं गाँव के, मोस्टली जो हल्का था हमारा वो जलालपुर जट्टा और कोटला ककराली ये वाला हल्का था, तो उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की। लोगों के काम यही होते हैं कि सड़कें बना दो, बिजली लगा दो, टेलीफोन लगा दो, छोटे छोटे काम थे, और वो सारे पब्लिक वेलफेयर के काम हैं जो कि करने चाहिए। हाँ। तो उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उस हल्के का, अगर वो काम करे तो लोग उसको प्यार करते हैं। और उधर पॉलिटिकल पार्टीज का वो असर नहीं होता जितना कि पर्सनल काम का असर होता है। तो काफी मेहनत है उसमें। तो वो इतना काम किया उनके वेलफेयर के लिए, तो इसी वजह से आपने जो डिफरेंस बताया वोटों का वो कितना ज्यादा था और किस तरह से सपोर्ट किया लोगों ने। तो जो दूसरे आपके कजन्स हैं उनको भी ऐसा ही, उनका तो वो हल्का है, वो तो बिलोंग करते हैं, उनका तो वो जिसे कहते हैं ना कि गढ़ कहा जाता है, उनका तो वो गढ़ है ना वो गुजरात। डेफिनेटली देखो उनकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है पिछले 60-70 साल की, और उसमें उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, और उन्होंने भी लोगों की पर्सनल खिदमत की है जिसकी वजह से लोग आज भी उनको सपोर्ट करते हैं। और चाहे वो हुकूमत में हो या ना हो, हाँ, उनका एक अपना वोट बैंक है। ऐसे ही ठीक है, आपने कारकुनान है उनका। हाँ, हाँ, और वो नहीं खत्म हो सकती नहीं। हाँ, और उसका कंपैरिजन भी नहीं हम कर सकते। हाँ, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, आपने बताया आपके साथ जाते हैं बिजनेस में, तो आपने ले आए, लेकिन इन फ्यूचर कभी सोचा है कि मैं अपने बेटे को भी पॉलिटिक्स में लेके आऊंगा, इन करूंगा कहीं बहुत आगे जाके, या उन्होंने कभी आपसे इस ख्वाहिश का इजहार किया? मेरा ख्याल है बच्चों का अपना डिसीजन होता है, जैसे मेरा अपना डिसीजन था। फादर मेरे चाहते थे कि उन्होंने कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया बेटा मेरा ही लाइक्स टू बी इन पॉलिटिक्स। हाँ, मगर वो रहता लाहौर में है तो पॉलिटिक्स तो कोई नहीं, आप तो रूलिंग से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें उसकी अपनी लाइफ है, अपनी मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा, ऐसे तो नहीं। अच्छा। इसमें हेरिडिटरी नहीं है पॉलिटिक्स, वैसे होता हमारी पॉलिटिक्स में तो यही होता नहीं, उसमें अगर एक जेस्चर तो यही पाया जाता है। अगर कि एक तो पैसा हो और बाकी आपका बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल होना चाहिए। नहीं, उसमें लोगों से ताल्लुक रखना और कॉन्टिन्यूटी में लोगों की खिदमत करना, ठीक है, और उनसे कॉन्टेक्ट में रहना, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा। हाँ, शहरों की पॉलिटिक्स और है। हाँ। और हमारे आपके बच्चे तो माशाल्लाह उनका तो ब्रॉट अप, उनकी ग्रूमिंग तो वो दूसरे शहर में हुई है ना, तो वो हाँ, तो नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी पॉलिटिक्स गांव वाली है ना। हाँ। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की पॉलिटिक्स चाहिए। सही। स्ट्रेंथ शहरों में है, क्योंकि शहरों में वोटर जो है वो पार्टी बेस पे वोट देता है, जबकि छोटे शहरों और गाँव कस्बों में वोटर जो है वो पर्सनल तलकात, बरादरी, इन चीज़ों को ज्यादा प्रेफर करता है। पार्टी या फिर कौन सी जमात उनके लिए ज्यादा अच्छा काम कर रही है? नहीं, उसमें जमात नहीं काउंट करते, उसमें बंदा काउंट करते हैं कि कौन सा बंदा उस हलके में किस जमात से और काम कर रहा है। क्या सही, ये डिफरेंस पॉलिटिक्स डिफरेंट है। सही। हाँ, शहर की और गांव की। अच्छा, वो डिफरेंस आप समझते हैं कि अभी उनको उस डिफरेंस को समझने की जरूरत है, उसके बाद फिर वो पॉलिटिक्स में इन हो सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली जो भी चाहेगा वो हो सकता है उसमें। तो अपने बारे में आप बताएं नईम हुसैन साहब के, आप कितने सोशल हैं, फारिग औकात में क्या करते हैं, अपना टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं? मोस्टली फैमिली टाइम है। अच्छा। और सोशल थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ मिल लिया।
और यहीं से हम बात जो है कंटिन्यू करेंगे. चौधरी नैयर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नैयर कारपेट के ओनर हैं और साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है इनका. ब्रेक का वक्त हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ.